Hello everyone, my name is Rohan Krishan Chauhan. Welcome back to my YouTube channel RKG Vlogs. चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यार आप लोगों को ना एक बात बतानी थी, जब मैं ब्रजघाट रोड ट्रिप से वापस आया था तो हुआ क्या, जब मैं घर आ रहा था तो बाइक मैंने घर के पास ही रोकी, ठीक है, वापस आते वक्त, और मैं स्कूटी ले रहा था कि जब मैंने बाइक चलाई ना थोड़ी, तो बाइक का ना एक पीछे का जो स्क्रू था, जो पीछे के बैक लाइट के ऊपर लगता है, एक स्क्रू इधर जो मडगार्ड में लगता है पीछे वाले, तो उसमें एक स्क्रू निकल चुका था और बाइक का जो मडगार्ड था ना ऐसे ऐसे हिल रहा था, ठीक है। तो यार अब मैं देखता हूँ फटाफट कि घर में अगर स्क्रू पड़ा होगा वो, तो उसमें बाइक में लगा दूंगा, ठीक है। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर भी है, उससे लगा दूंगा जो बाइक की टूल किट में आता है, तो फटाफट देखता हूँ अगर मुझे मिलता है तो आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो कौन सा स्क्रू है जो निकला है उसमें से। फटाफट चलते हैं बाइक के पास। तो आप देख सकते हो इधर ये स्क्रू लगा है, और ऐसी सेम एक स्क्रू ये लगा दो, ऐसी सेम एक स्क्रू इधर था इस साइड, ठीक है, देख रहे हो आप। यार ये स्क्रू जो है यार निकल गया है, ठीक है, इसमें से। यार यहाँ बाहर जो है बच्चों की बहुत आवाज़ आती है, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं आगे वाले घर में, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट घर में जाता हूँ और देखता हूँ अगर इस साइज़ का स्क्रू पड़ा होगा तो। सर आज है फ्राइडे सितंबर 18, और जिस रूम में स्क्रू रखा है उस रूम में यार अंधेरा हो रहा है अभी, क्योंकि अभी शाम के, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी शाम के 7:04 हो रहे हैं, ठीक है, और आज है फ्राइडे, है ना। यार ये फ्राइडे को ब्लॉग शूट हो रहा है, सैटरडे को मॉर्निंग में आ जाएगा उम्मीद है पूरी, तो एक काम करूँगा मॉर्निंग में उसे देख लूँगा स्क्रू को और इसमें लगा दूंगा, जो कि ब्लॉग में दिखा दूंगा अगले। तो अभी एक काम करते हैं फटाफट, मैंने सोचा यार दिन में तो बहुत सारे ब्लॉग्स आ रहे हैं, एक काम करता हूँ एक रात में ब्लॉग बनाता हूँ, तो अभी चलते हैं बाहर देखते हैं क्या देखने को मिलता है, और एक शॉर्ट राइड भी हो जाएगी सिटी की, और देखते हैं, चलो आपको बाइक पे मिलता हूँ। यार मेरे दिमाग में ये जाने से यार बहुत दिन से ना कुल्फी नहीं खाई है, एक काम करते हैं किले के सामने कुल्फी वाला खड़ा होता है, देखते हैं अगर वो खड़ा होगा तो वहाँ से कुल्फी खाएंगे, और साथ ही साथ आपको मैं दिखा भी दूंगा मैं जहाँ जा रहा हूँ, तो ब्लॉग भी शूट हो जाएगा। चलते हैं फटाफट, अभी मैं हूँ ज्वाला नगर में, ये सब्जी मंडी का एरिया आप देख सकते हो, और चलते हैं फटाफट देखते हैं अगर कुछ देखने को मिला तो बिल्कुल दिखाऊंगा आपको। अरे यार बाइक में ना ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा हूँ, वो इसलिए, तेज़ चला तो सकता हूँ मैं लेकिन चला नहीं पा रहा हूँ, वो इसलिए है पीछे जो मडगार्ड है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया उसका जो स्क्रू है वो निकल गया है। यार वो स्क्रू जो है मैं मॉर्निंग में ढूंढूंगा, उसको मैं ब्लॉग में भी कैप्चर कर दूंगा, हो सकता है कि जब मैं आ रहा हूँ वापस तो किसी फॉल्ट होल आया हो कुछ, या फिर कोई झटका आया हो एकदम से वो निकल गया हो, झटके में हो ही जाता है। वैसे तो बाइक सर्विस कराई थी अभी, हो सकता है शायद वो टाइट नहीं कराओ, लेकिन ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ ना मैं तो खटखट बोल दिया, तो इसलिए इसको आराम से चलाऊँगा आज, कल मॉर्निंग में लग जाएगा फिर अपने कोई स्लो में चलेगी बाइक। यार बहुत दिन से ब्लॉग जो है, अब यार ये रॉन्ग साइड पे कितना आ जाते हैं ये लोग, ये नहीं कि अपने घूम कर आ जाए, थोड़ा अगल ही नहीं है, अगल था बस पुलिस वाला खड़ा होता तो फिर पकड़ा जाती है। ये सोचा करें ये लोग के दूसरे को कितनी प्रॉब्लम होगी। अच्छा वो जो कुल्फी बनाता ना तो वो ऐसी होती पतली सी, उस टाइप की कुल्फी यहाँ शायद नहीं मिलती है, वो ब्लू कलर का जो ठेला खड़ा होता है, अभी चल के दिखाऊंगा आपको अगर खड़ा हुआ तो। मैं सोच रहा हूँ इधर शहबाज गेट से होता हुआ फिर पीछे होता हुआ वहाँ से चलूँ, जिससे ब्लॉग भी शूट हो जाए बढ़िया करके, और कोई दिखे बढ़िया तो वो भी दिखा दूँगा आपको। आप इसे डर कह लो या फिर थोड़ा वो कह लो कि घर से यार निकलने में थोड़ा अभी डर लगता था, इतना लॉकडाउन था ना, ये लगता था यार कोई रोक ना ले फालतू में, पेपर्स वगैरह तो होते थे पूरे, पर ये लगता था कोई रोक ना ले फालतू। अब जब से लॉकडाउन खुला है यार तब से आराम लगता है, बिल्कुल कहीं जाते हैं तो। और यार जब तक जाएंगे नहीं घर के बाहर तो आप लोगों को दिखा कैसे पाएंगे। यार आप लोग ऐसी सपोर्ट बनाते रहिए और रामपुर में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप ही लोगों के हाथ में है सब, और कमेंट करा करिए अगर कोई अच्छा लगा करे तो, और सजेशन दिया करिए। यार मैं चाकू बाज़ार के ऊपर जो चाकू रामपुरी चाकू जहाँ पे मिलता है
उसके ऊपर एक ब्लॉग बनाने की सोच रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई बंदा अगर आप में से देख रहा है तो मुझे ये बताए कि मुझे एक ब्लॉग शूट करना है चाकू बाजार के ऊपर, तो ब्लॉग मैं वो कैसे शूट करूँगा। और तो चाकू बाजार, चाकू जो बाजार है असली वाला, जिसमें चाकू वगैरह क्या कहते हैं चाकू मार्केट है, यहाँ पे चाकू मिलते हैं, तो वहाँ की कोई शॉप हो तो कोई अगर जानता है इस बारे में तो मैं उसके ऊपर ब्लॉग शूट करूँगा बढ़िया करके। वही मैं आ चुका शाहबाद गेट की बैक साइड, नगर पालिका वाला रोड है, आप देख सकते हो इधर पीछे। बीच में घुस रहे थे लोग ऐसे पता नहीं क्या, यहाँ पे तो यार आम है, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए ये आम है यहाँ पे ऐसे मार्केट एरियाज में। तो ये पतला रोड आ गया यार, ये बैटरी फंसाती है यहाँ पे ना, चलो निकल गई है तो आ जाओ भाई चचा, रॉन्ग साइड ही आओगे और कहाँ होगे, सीधे तो कभी चले नहीं हो। आप सोच रहे ना हर टाइम कंप्लेंट करता रहता हूँ रॉन्ग साइड ये सब, क्या करूँ यार मैं भी परेशान हो जाता हूँ। लोग यहाँ पे पता नहीं गाड़ी कैसे ले आते हैं, जो रहता है यहाँ पे वो तो ले आता होगा, पर पता नहीं जो लोग यहाँ पे गाड़ी लेके आते हैं भाई बहुत हिम्मत वाले होते हैं वो मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे तो एक एक इंच करके गाड़ी चलती है। ये शदाम मार्केट का एरिया है पूरा, वैसे तो उधर राइट चलाया था मैं, शदाम मार्केट ही छुड़वाया था। इतनी खटखट आवाज आ रही है पीछे उस मटगाड़ की। यहाँ पे टूटी फूटी रोड ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी तो है लेकिन वही बहुत है इसको आवाज़ करने के लिए। ये रोड जो है दुर्गा मिष्ठान भंडार के बिल्कुल आगे निकला है, अब देख रहे हो सामने दुर्गा मिष्ठान भंडार है, तो हम इधर से राइट मुड़ जाएंगे। अरे कभी कभी घर के बाहर निकल आओ ना तो अच्छा लगता है ना, घर में पड़े पड़े भी क्या, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं रखा, कोई काम हो घर के अंदर तो ठीक है, चलो मजबूरी हो यार, खड़ा तो है कुल्फी वाला, देखो ही है ले लेते हैं फटाफट। ये है देखो अंदर लगाना एक, सर ये कुल्फी आप देख रहे हो ना, ये किले का गेट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस किले के गेट के बिल्कुल जस्ट इधर आओगे ना आपके पीछे, यहाँ पे आपको कुल्फी खाने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आओ बढ़िया से कुल्फी खाओ, ठीक है। ये देख रहे हो बहुत टेस्टी होती है, बहुत टेस्टी आम की भी होती है शायद ये, और दूध की बनती है शायद, आम फ्लेवर की होती है शायद, बाकी तो ये दूध वगैरह की बनती है। तो ये जो है वीडियो मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, मोबाइल से इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि एक्शन कैमरा जो है मेरा उसमें वाटर प्रूफ केसिंग चढ़ी है, जो दूर से साउंड रिकॉर्ड नहीं करता, पास से साउंड रिकॉर्ड करता है, देख रहे हो आप। यहाँ पे आओ फटाफट, देख रहा हूँ कितना हुआ अंकल, पहले 20 की मिलती थी अंकल, ये क्या 10 की मिलती थी। अच्छा मुझे लगा पहले 20 की मिलती थी लेकिन 10 की मिलती है ना। यहाँ से आगे आएंगे तो जेल रोड आ जाएगा, तो वो चलते हैं फटाफट आगे और देखते हैं क्या देखने को मिलता है। और ये सामने देख लो अभी किले का गेट है, और ये सामने दुकानें आ जाएंगी इधर, और यहाँ से आप आओगे इधर से शराब मार्केट पड़ेगा इधर, यहाँ से आओगे तो दुर्गा मिष्ठान भंडार पड़ेगा सीधा, तो इसे सीधा आ जाओ आप। और एक किला गेट है सामने, अगर आप इधर चले आओगे तो स्वार रोड शुरू हो जाएगा पूरा, जहाँ से वो आता है जहाँ पे रामलीला मैदान वगैरह है
और इसके अंदर लाइब्रेरी भी बनी है, तो चलते हैं फटाफट आगे और देखते हैं आप क्या देखने को मिलता है। तो इधर कुछ जूस की दुकानें दिख जाएंगे आपको, और ये रजा लाइब्रेरी का गेट है, ठीक है, देख रहे हो कितना बड़ा बना है। मैं आपको कई वीडियोज़ में दिखा भी चुका हूँ, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है फटाफट जाके चेकआउट करो। इस रोड की बात कर रहा था मैं, इधर ये रोड सीधा जहाँ रामलीला मैदान है बड़ा वाला, वहाँ निकल गया। यहाँ से आगे जाऊंगा मैं तो जेल रोड शुरू हो जाएगा आगे आगे। ये दीवार देख रहे हो आप सामने, ये किले की दीवार है जो अंदर रजा लाइब्रेरी से कहते हैं। यहाँ पे जो है संभल के चले लोग जो है ना, थोड़ा रात के टाइम रैश राइडिंग ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए संभल के चले हमेशा। यार कमेंट कर दिया करो आप, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ से घर की तरफ, देखते हैं वापसी में क्या देखने को मिलता है। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तराखंड में क्या क्या परमिशन लेनी पड़ेंगी जाने के लिए, बहुत जल्द उसके ऊपर भी व्लॉग बनाऊंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मुझे सपोर्ट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो शूट कर पाऊँ आप लोगों के लिए, है ना। सर ज़्यादातर मैं जो भी शूट करा करूँगा, वैसे तो ये नॉर्मल व्लॉग्स चलते रहेंगे मेरे, डेली व्लॉग्स जो हैं। सर मैंने सोचा जो है डेली व्लॉग्स को मैं कंटिन्यू रखूँ, है ना, इससे मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँ। और आप कमेंट कर दिया करिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो, बिल्कुल आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। यार अभी टाइम हो चुका है रात के 9:15 बज चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे चाट पकौड़ों की दुकान है, यार मैंने इसके ऊपर ब्लॉग बनाया, फटाफट जाके आप ब्लॉग देख लो, है ना। यार अगर आपने अभी मेरा ब्रजघाट रोड ट्रिप नहीं देखा है, फटाफट जाके वो ब्लॉग देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ, आप सामने देख सकते हो गाने समय आ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे फॉलो कर लें, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है RKTBlog। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और ब्लॉग को लाइक कर दिया करिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मैं जी बढ़िया बढ़िया वीडियोज लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।